तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। और बहुत सारी मैंने ढाबा, कैफेज, रेस्टोरेंट कवर किया है, लेकिन जब मुझे बात करते हैं तो सुनते हैं कि बहुत पुराना ढाबा उनका होता है, मतलब तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी वो लोग कवर कर रहे होते हैं, या फिर कहे तो बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा पैशन है, मेरा ड्रीम था इस रेस्टोरेंट खोलने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मजबूरियों के साथ ना अपना काम करते हैं, फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए। एक ऐसा ही अभी मार्केट में घूम रहा था मैं, अभी कहाँ पे हूँ ये देखिए, पार्क हॉस्पिटल है यहाँ पे, और यहीं घूम रहा था, यहीं पे आसपास मुझे एक शॉप दिखा, एक छोटा सा कार्ट है, साइकिल पे है, और वो देखिए वहाँ अंकल जी ने बनाते हैं क्या इडली और चटनी होता है उन लोगों का। चलिए दिखाते हैं कि क्या वहाँ पे खास है, बात करेंगे, ऑर्डर करेंगे, खाएंगे और बताएंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। गाइस देखिए, एक छोटा सा नॉर्मल मतलब साइकिल बोलिए, और इस साइकिल पर उन्होंने ये बेचते हैं क्या, मसालेदार इडली, जिसका दाम है फुल प्लेट 20 रुपीज़ का, दो पीस मिलेगा, और हाफ प्लेट जो है 10 रुपये का मिलेगा एक पीस, और साथ में क्या नारियल बादाम और धनिया आदि की चटनी होती है इनके पास। ठीक है, आइए इनसे बात करते हैं, फिर बनवाते हैं, टेस्ट कर बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है। दुकान के ऑनर हैं, इनसे बात करते जानते हैं कि सर नाम क्या था आपका? मनोज मालाकार। और कब से लगा रहे हैं साइकिल? ये पटना में 11 से 3 नवंबर से लगा रहा है। अच्छा, टाइमिंग क्या है दुकान की आपकी? वैसे दुकान 11 बजे घर से निकलते हैं। अच्छा, फिर एक स्कूल है सकुरा मोड़ में, अच्छा, लंच का वहाँ लगाते हैं, उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे चलते हैं। कहाँ लगाते हैं आप? ये शिव मंदिर 25 नंबर पाया। अच्छा, उसके अपोजिट में लगाते हैं, पहले हम बिहार शरीफ में नालंदा जिला में बेचते थे। अच्छा, वहाँ 2 साल से इडली बेच रहे हैं। 2 साल से? हाँ। कोरोना, 2 साल पहले कोरोना था? हाँ, फिर भी इडली बिक रहा था। बिक रहा था गाँव गाँव में? गाँव गाँव में। हाँ, टाउन में लगाने के लिए नहीं मिलता था। छुट्टी का बिक रहा था? हाँ, गाँव गाँव में बिकता था। और तुम यहाँ कैसे आ गए, पटना कैसे आ गए? यहाँ आए बच्चे के पढ़ाई के लिए। बच्चे के पढ़ाई? हाँ, वहाँ एजुकेशन भी बढ़िया नहीं है और कमाई भी नहीं है। दोनों चीज़ें, कमाई भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है। हाँ, एजुकेशन भी अच्छा नहीं है, तो बच्चे लोग बोला कि पटना में पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली सिर्फ बच्चे के पढ़ाई के लिए यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए। हाँ, कहते ना गाइस कि हर कुछ ना पैसों के लिए नहीं होती है, मतलब कभी कभी देखिए सेक्रीफाइस कर करके वो अपना घर छोड़ करके, जो उनका गांव है वो छोड़ करके पटना है क्या सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए, और ये बेच रहे हैं इडली और चटनी बेचते हैं। जी जी, 3-2 साल हो गया आपको बेचते बेचते यहाँ पे। जी, क्या प्राइस है वैसे इसका? इसका 20 रुपया प्लेट है, दो पीस मिलता है। जी ठीक है, चलिए गाइस लगवाते हैं अपना प्लेट और करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। लगाइए एक प्लेट हमारा भी। होटल में महंगा यही चीज पड़ेगा, वहाँ से ज्यादा मटेरियल भी मिलेगा और सस्ता भी पड़ता है। चटनी देखिए इनका कितना चटनी ज्यादा है, ये ऊपर ये क्या डालो? ऊपर से भी नारियल बादाम है। अच्छा, एक थिक डालते हैं, एक पतला वाला? हाँ, पतला डालते हैं, पूरा ग्रेवी जो है उसमें मिक्स हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो खाने में मजा आता है। और ये सूखा सिर्फ देंगे तो मजा नहीं आएगा। जी, ये बन लग रहा है हमारा इडली, जिसका दाम है 20 रुपए का मिलता है, दो पीस। हाँ, डस्टबिन है सर पीछे, सारा व्यवस्था है, पूरा कर रखा है डस्टबिन से लेकर सारा चीज है, और इडली है, पानी का व्यवस्था है, सारा व्यवस्था है। वाह, हरा पानी का व्यवस्था रहता है, सारा व्यवस्था यहाँ पे। आइए एक बार ट्राई, इधर भी पानी है, सारा व्यवस्था है। चलिए दोस्त ट्राई करते हैं, बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। ये देखिए इनका इडली है, और ऊपर से दिया गया मसाला है, इसके ऊपर में चटनी है, ग्रीन चटनी है, लाल मिर्च है, और ये बादाम की चटनी है। चलिए डिप करते बढ़िया से। वाह, वाकई में बहुत सॉफ्ट इडली है, चटपटा है, स्वादिष्ट लग रहा बहुत खाने में, और चटनी बहुत गाढ़ा है इसका, जो कहिए। भाई साहब सच में मज़ा आ रहा खा करके, क्यों ना, क्योंकि ये बेसिकली बहुत हल्का है, मतलब एक होता ना भारीपन नहीं है, हल्का है इडली इनका। और ये देखिए चटनी बहुत शानदार इनका है, इडली बड़ा सॉफ्ट है, इडली बहुत सॉफ्ट है लेकिन। वाह, और प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 20 रुपीज़ का है दो पीस, मात्र 20 रुपये का दो पीस है, और मतलब हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है, क्या चाहिए। और भाई साहब देख कर तो मन खुश हो जाएगा आपका भी। चलिए हम ख़त्म करते हैं अपने इडली को और मिलते हैं आपको एक नई जगह पे, तब तक के लिए मैं करता हूँ इसको एंजॉय, बहुत लाजवाब है।
भैया भैया लाजवाब है ना, बहुत बढ़िया।